बसमरिम अल्लाम वेलकम एंड रेवत उजाला वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल क्या हाल है आप सबके आई होप ठीक होंगे खुशपाश होंगे खैर खैरियत से होंगे अच्छा जी जो आज का मेरा व्लॉग है वो बड़े ही मज़े का होने वाला है बिकॉज़ आज मैंने आ, सोचा है उठते साथ कि आज जो है वो मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊँगी सारा दिन ठीक है मैं वो बनाऊँगी जो मेरा खाने का दिल करेगा एक्चुअली क्या होता है कि मैं डेली बेसिस पर जो भी बनाती हूँ वो ये माइंड में रखते हुए बनाती हूँ कि यार मे मिया, मियाँ ने क्या खाना है तो वो बना लूँ लेकिन आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली ठीक है आज सारा दिन आई डोंट नो क्या होने वाला है ठीक है बट आज जो सारा दिन मेरा खाने को दिल करेगा ना बस वो ही बनेगा क्योंकि बनाना भी मैंने ही है तो आज ये आ, मज़ेदार काम करते हैं तो स्टार्ट करते हैं नाश्ते से सुबह हो गई है और मियाँ का नाश्ता बनाते हैं तो मेरा दिल कर रहा है आ, हाफ फ्राई खाने को सो so, चलते हैं किचन में वैसे अगर देखा जाए तो हाफ फ्राई मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उनके ऊपर कोई जुलूम करने लगी हूँ <laughs> उसके साथ यह है कि आजकल हम ब्रेकफास्ट में वन वन स्पून इस पंजीरी का भी ले रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और चाय वैसे मैं तो नहीं पीती लेकिन मैं बनाती हूँ अच्छी सी आप लोग ज़रा खुद भी देख लें और अंदाज़ा लगाएं कि मैंने कैसी चाय बनाई है शक्ल से तो आप लोगों को लग ही रहा होगा और ज़रा कलर चेक करके आप लोग देख लें कि चाय कैसी बनी है हम्म 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 अच्छा अभी दोपहर हो गई है और मैंने बहुत सोचा और अचानक से जो है वो दिल किया कि राजमा चावल हो जाएँ बट बात ये है ना कहने की कि राजमा चावल कैसे हो सकते हैं क्योंकि राजमा तो मैंने बॉयल ही नहीं किए हुए थे रात को भिगो ही नहीं थी क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था तो मैंने कहा चलो वाई नॉट मेरी जान कि दाल चावल बनाई जाए तो दाल चावल में मैंने कहा कि चलो दाल मिक्स करके जो है वो बना लेती हूँ मूँग की और मसूर की तो फिर मैंने क्या किया कि फिर जल्दी से चढ़ा दी और खट्टी दाल बनाई तो फिर इमली भी भिगो दी थी और मज़ेदार सा जो है वो इमली का रस उसमें डाला और ये क्या तड़का तो भई मैं कहती हूँ कि भई पाह तो ज़बरदस्त किस्म का तड़का हरा प्याज मैंने डाला हरा लहसुन ख़त्म हुआ था तो हरा ल, हरा प्याज डाल दिया मैंने कहा चलो ये भी अच्छा लगता है अच्छा सा जो है वो तड़का बना लिया है और दाल वहाँ से हो गई है रेडी मसाले शसाले डाल के और ये एक ज़बरदस्त किस्म का तड़का इसके ऊपर लग गया और चावल भी मैंने कहा चलो तड़के वाले बनाते हैं तो थोड़ा सा मसाला जो है वो मैंने इसमें ऑयल में भून लिया और साथ में चावल मैंने कहा मिक्स करके ऊपर से पानी डाल देती हूँ तो दाल तो मज़ेदार सी रेडी हो गई लेकिन मिर्चें कैसे भूल जाऊँ वही मिर्चें भी मैंने कहा कि चलो तल लेते हैं वही क्या कॉम्बिनेशन वही वाह मज़ा ही आ गया शाम का टाइम है और मेरा दिल किया कि दही बल्ले खाने हैं तो दही बल्ले बनाने में बहुत टाइम लगता है इसलिए मैंने मंगवा लिए दही बल्ले और अब इसके ऊपर मैं करारा सी जो है वो क्रंची क्रंची पापड़ी जो है वो सर्व करी हूँ और इसके साथ मैंने कहा कि चलो दही भले हैं तो साथ में वाई नॉट के एक अदद जो है वो फ्रूट चाट भी जो है वो मंगवा ली जाए तो फिर ये देख लें ये भी मैंने जो है वो यमी किस्म की मंगवा ली इसके साथ ही और भाई क्या क्रीमी फ्रूटी और क्या मज़ेदार किस्म की आ गई है भाई शाम तो हो गई है सुहानी भई मज़ा ही आ गया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ होगी मेरी ग्रीन टी मिया ने चाय नहीं पीनी शाम को जनाब बारी है डिनर की तो ये मैंने चिकन के कबाब बनाए थे होम मेड और आ, कुछ तो मैंने वैसे ही मतलब फ्राई किए हुए थे पहले ही ये बस गए थे तो मैंने कहा यार इसी को ही यूटिलाइज़ कर लेती हूँ ज़रा ग्रेवी वाला ना हल्का कढ़ाई टाइप कुछ बना लेती हूँ तो ये जनाब बन गई है मज़ेदार सी हल्की सी ग्रेवी वाली कढ़ाई और काफ़ी टैमटिंग लग रही है देखने में वैसे आपस की बात है अच्छी बनी है बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है अच्छा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देती हूँ तो भाई ये हो गई है रेडी आज के डिनर के लिए शुक्र अलहमदिल्ला फॉर दिस और आज के खाने मेरे खाले पूरे हो ही गए ओके जी तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे और आई uh, होप आप लोगों ने किया होगा एंजॉय डिनर मैंने बना तो लिया था बट मैंने किया नहीं ऑल दो मैंने मेरा दिल वही करा था बनाने को मैंने बना लिया लेकिन गुंजाइश नहीं थी क्योंकि दिन में मैंने रज के दाल चावल जो है वो खा लिए थे और फिर ऑब्वियसली चाट भी खाई तो फिर बिल्कुल मुझे तो गुंजाइश नहीं थी मैंने कहा चले ठीक है मैंने अपनी पसंद से बना तो लिया कोई बात नहीं हस्बैंड खा लेंगे <laughs> तो या और अभी जो है वो इंजॉय करी हूँ अपनी ग्रीन टी और नमाज़ पढ़ ली है तो मैंने कहा कि आप लोगों से भी टाटा बाय बाय कर लें आज के ब्लॉग के लिए ठीक है आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में टेक केयर खुश रहें खुश रहने दें अल्लाह हाफिज़